पार्टी का ये मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां चार राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा। 2022 दिया विधानसभा चुनाव विच कांग्रेस दी करारी हार तो बाद कांग्रेस पार्टी दे वलों दिल्ली विखे मंथन किया गया। दस दी कि एतवार नूं दिल्ली विच कांग्रेस वर्किंग कमेटी दी मीटिंग हुई अते 4 घंटे तो वध समय तक यह मीटिंग चलदी रही। पंजाब सने 5 सूबिया विच हुई हार इस मीटिंग दा विशा रही। नाल ही तुहानू दस दी कि कांग्रेस दी प्रधानगी नूं लैके भी चर्चा हुई है। फिलहाल इस दे विच फैसला आया कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी दी कमान संभालणगी। चोणां दे विच हुई वड्डी हार तो बाद पार्टी प्रधान वल्लों कीती मीटिंग काफी सारे सवाल खड़े करदी है। दस दिए कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बैठक तो बाद कांग्रेस दी तरफों बयान दिंदे हुए कहा कि पार्टी दा मनना है कि माड़ी रणनीति कारण असी 4 सूबिया दे विच भाजपा दे कुशासन दा पर्दाफाश नहीं कर सके। दूजे पासे पंजाब च मिली करारी हार ते सुरजेवाला ने कहा कि अंत दे विच लीडरशिप बदलन कारण असी सत्ता विरोधी लहर नूं घट नहीं कर सकी। बहुत बहुत शुक्रिया महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल का। आदरणीय साथियों, बहुत संक्षिप्त में अगर मैं ये कहूँ, जैसा वेणुगोपाल जी ने बताया, आज लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हुई। बहुत लगभग सभी नेताओं ने बड़े खुले मन से अपने अपने विचार रखे, बड़े खुले मन से चर्चा हुई। जहाँ जहाँ हमारी कमियाँ हैं और जहाँ जहाँ हमारी ताकत हैं, उन सब का गहन चिंतन से अवलोकन किया गया, खुले मन से और साफ दिल से उस पर चर्चा हुई। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और उस सारी मंत्रणा का जो सार था वो एक कांग्रेस कार्य समिति के बयान के तौर पर श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर सुनाया है। उसका हिंदी रूपांतर मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जारी वक्तव्य, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पार्टी का यह मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां 4 राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए, वहीं पंजाब राज्य में नेतृत्व बदलाव के बाद मिले सीमित समय में सत्ता विरोधी लहर पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस पार्टी देश में आज व्याप्त राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ करोड़ों भारतीयों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी इस जिम्मेवारी के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है। कांग्रेस कार्य समिति लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है जिन्होंने 5 राज्यों के इन चुनावों में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए अथक परिश्रम किया। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की
और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक एवं व्यापक एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। जैसा आदरणीय वेणुगोपाल जी ने बताया, इस वक्तव्य के साथ साथ कांग्रेस कार्यसमिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही, सत्र की समाप्ति के फौरन बाद एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्यसमिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। देखिए, जब चिंतन होता है कार्यसमिति में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक इसीलिए सार्वजनिक नहीं है, पर उस चिंतन का जो पूरा निचोड़ निकला है वो केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर बताया। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, पर एक बात बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी कि कांग्रेस कार्यसमिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा, जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न ना हो जाए। दर्जी की उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा अते मणिपुर विच होईयां विधानसभा चोणां विच कांग्रेस पार्टी उम्मीद मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी दी मीटिंग दे विच पार्टी आगुआं ने पांच राज्यां विच मिली हार ते विचार चर्चा कीती अते इस नाल ही लीडरशिप बदलाव बारे भी चर्चा हुई है, जिस विच ये फैसला लिया गया कि फिलहाल सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी दी कमान संभालेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com कानून जायदाद दा। पार्टी का ये मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां चार राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कार्यसमिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा।